हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब भी हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या कोई भी नया कदम जब हम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने दिक्कत आती है कि जब हम अपने पेरेंट्स को समझाते हैं, अपने माता पिता को समझाते हैं, अपने घर परिवार से जब वह चर्चा करते हैं, तो घर वाले मानते नहीं हैं। मैं शुरुआत कैसे करूँ? यही सबसे मुख्य जो कारण होते हैं कि आपके जो आगे नहीं बढ़ पाने का, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जब भी आप कोई नया कार्य स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता, अपने परिवार को कॉन्फिडेंट, उनका विश्वास आपको जीतना होगा। जब आपके माता पिता का विश्वास आप जीत लेंगे, तो आप कोई भी कार्य करना चाहे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप न्यू किराना दुकान खोलना चाहते हैं, कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं, तो भी आप अपने माता पिता का विश्वास एक बार जीत लिए तो आप कर सकते हैं। तो आपको कैसे जीतना है, उसके लिए आपको सबसे पहले उनसे चर्चा करनी होगी, उनसे डिस्कशन करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की है। वो सारी बातें अपने मम्मी पापा को आपको बताना होगा, तभी आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और उसका हमें नॉलेज नहीं है, तो हमारे माता पिता हमेशा आपको वह कार्य करने के लिए रोकेंगे, क्योंकि जब आप उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं और किसी के सुनने से, देखने से आपको वह कार्य करने की इच्छा होने लगेगी, तो माता पिता उस चीज़ की भविष्य को समझते हैं, उसके आगे कार्य को समझते हैं कि आप उस कार्य में सफल हो पाएंगे या नहीं। इसी कारण वो आपको टोकते हैं, क्योंकि आप उस टॉपिक पर सीरियस नहीं हैं। जैसे मैं MBBS पढ़ाई करना चाहता हूँ, है ना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं यदि 50% 60% से यदि मैं पास हो रहा हूँ, है ना, तो वो मेरे मम्मी पापा को भी ये लगेगा कि ये तो इतनी सीरियस नहीं है पढ़ाई पे, 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहा है, तो ये क्या MBBS बनेगा, तो वो आपको कभी आगे नहीं भेज पाएंगे। उसी तरह से यदि आप कोई जॉब करना चाहते हैं और बहुत आलसी हैं, तो भी आपको कोई कार्य करने नहीं दिया जाएगा। कोई भी फील्ड हो, जब तक आप स्वयं उस फील्ड में जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक आपके माता पिता आपको कोई कार्य करने के लिए आगे भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी के माता पिता को यही लगता है कि उनका पुत्र उनके सामने रहे, उनके पास रहे, और यदि कोई कार्य करे तो वो सफल हो, असफल होकर ना आए। इसीलिए मम्मी पापा असफलता से डरते हैं, क्योंकि असफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को झकझोर करके रख देता है, उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर करके रख देता है, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। तो मम्मी पापा या परिवार के लोग कभी ये नहीं चाहते कि उनके बेटे का आत्मविश्वास कभी टूटे, उनका बेटे का आत्मविश्वास कभी कमज़ोर हो। शायद हम यही बात समझ नहीं पाते और अपने मम्मी पापा को कोसते हैं, पर कोसना आपको मम्मी पापा को नहीं है, अपने आप को कोसना है, क्योंकि आप उस कार्य के प्रति लायक नहीं हैं, उस कार्य के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, इसलिए आपको वह कार्य नहीं करने देता। तो आगे आप किस तरह से अपनी मम्मी पापा को कॉन्फिडेंट में लेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उस कार्य के प्रति सीरियस हो जाइए। सुबह जल्दी उठिए, आप अपना कार्य, अपना हर चीज़ टाइम पर कीजिए, तभी आपको मम्मी पापा को लगेगा कि आप सीरियस हैं, आप जागरूक हो चुके हैं और कार्य के प्रति इच्छुक हैं, तो आपके मम्मी पापा आसानी से मान जाएंगे। और यदि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस का थोड़ा सा आपको नॉलेज ले लेना चाहिए, थोड़ा सा अनुभव ले लेना चाहिए, हो सके तो आप कार्य अनुभव ले लीजिए। यानी कि जैसे आपका कोई शॉप है, या जैसे कि आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको कोई शॉप में जाकर या फिर मार्केटिंग फील्ड में आप कार्य कीजिए। 2 साल 3 साल 1 साल आप मार्केटिंग फील्ड में कार्य करने के बाद आप घर आकर फिर दुकान खोलिए, तो आपको आसानी से वह बिज़नेस भी समझ में आएगा और आप आसानी से सफल भी होंगे। बिज़नेस के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, आप छोटा मोटा लोन लेके भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और पढ़ाई करना चाहते हैं, घर में पैसे नहीं है, तो भी आप पढ़ाई एजुकेशन लोन ले लीजिए और फिर आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी पापा से
डिमांड करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये बिज़नेस करना है, तो वो बहुत ही रॉन्ग होता है, गलत होता है। क्योंकि जो चीज़ आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आप उससे एकाएक डिमांड करेंगे तो कभी भी आपको उतना पैसा नहीं देगा, आपकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको उसकी विश्वास जीतना है। तो कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा होता है तो व्यक्ति की सोच होती है, उसकी इच्छाएं होती है। यदि आप कोई बड़ा बिजनेस सोचना चाहते हैं या बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक छोटा बिजनेस में सफल होकर दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट को, अपने परिवार को। उसके बाद यदि आप 40-50 हज़ार के कोई कार्य को सफलता से कार्य करके दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पेरेंट आपके लिए तैयार हो जाएंगे और आप पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपका 50 हज़ार का दुकान को 1 लाख का कर देंगे, 2 लाख का कर देंगे, आप जहां चाहे वहां आपके लिए दुकान खोल देंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही यदि उनका विश्वास जीते बगैर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कभी अभी अपने माता पिता को कोसने के अलावा आप स्वयं अपने आप को कोसे कि आप में क्या कमी है। यदि आपने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया, आपने अपनी कमियों को ढूंढ लिया और उसको सुधार लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बनाए, कबीर दास जी का ये बहुत ही प्रचलित दोहा है, जिसका अर्थ होता है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रख लेना चाहिए, अपने घर में रख लेना चाहिए। उसी तरह से यदि आप अपनी कमजोरियों को बताने वाले व्यक्ति और उनको सुधारने वाले व्यक्ति को आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने मोबाइल में उसको सेव कर लीजिए, हमारे चैनल को सेव कर लीजिए। हम ऐसे ही आपकी कमजोरियों को उजागर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपकी गलतियों को बताते रहेंगे। आप उसमें सुधार करके आगे आप सफलता हासिल कर सकते हैं।